क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी चाइल्ड बर्थ के बाद कितनी जल्दी अपनी नॉर्मल रेगुलर सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं? उस लाइफ में आपको अब नए पर्सपेक्टिव में कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, इस टाइम में आपको क्या नई अब प्रिकॉशंस लेनी है जो पहले आप शायद नहीं लेते रहे, और क्या एक्सरसाइज का भी कोई ऐसा रोल है इस टाइम में रिकवरी में फॉर योर फ्यूचर लाइफ? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को जरूर देखिए। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नासली हमीद है। मैं शोभा ऑप्स गाइनी से तकरीबन 32 साल से ज़्यादा हो गया मुंसलिक हूँ। आज मैं आपसे जिस बारे में बात करना चाहूँगी वो सवाल हैं जो अक्सर मरीज़ हमसे आके पूछते हैं, और डिलीवरी के बाद या सिज़ेरियन के बाद उनको ये होता है कि कब कितनी जल्दी वो अपना मैरिटल रिलेशनशिप या इंटीमेसी शुरू कर सकते हैं, और उस दौरान उनको क्या एहतियातें करनी चाहिए या क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हैं या क्या डिफरेंट है जो वो एक्सपेक्ट करें। सो बेसिकली एक 4 to 6 वीक्स का टाइम होता है जिसको परप्यूरियम कहते हैं, या आप उसको हमारी देसी ज़बान में उसको छिला कहा जाता है। तो वो टाइम है कि जो है मखसूस है मेडिकली भी, और अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि वो एक मखसूस टाइम है कि जिसमें औरत को रिकवर करने का टाइम दिया जाता है। अब वो किस लिए? क्योंकि एक बहुत बड़े प्रोसेस से, चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस से वो खातून गुजरी है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी थी या वो सिज़ेरियन सेक्शन था, दोनों सूरतों में कुछ ना कुछ डिस्चार्ज भी है इन एरिया से, एक एग्जॉस्टन की फीलिंग भी है, एक फटीग भी है, एक नए बच्चे की जिम्मेदारी भी है। उसके अलावा जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो उसके साथ जो हार्मोनल चेंजेस हैं और उसके साथ जो ड्राइनेस है वो भी ज़ाहिर इन प्लेस है, और उसके अलावा ज़ाहिर है जब भी आप ये अपना रिलेशनशिप शुरू करते हैं तो फिर आगे फैमिली प्लानिंग की बात भी शुरू हो जाती है, तो कॉन्ट्रासेप्शन। सो ये तमाम कंसर्न्स हैं इस एरिया को लेकर कि कब रिलेशनशिप शुरू किया जाए और क्या क्या कंसर्न्स हैं जिनको के एड्रेस करना चाहिए। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि 4 to 6 वीक्स, जनरली 6 वीक्स इज़ एन ऑप्टिमम टाइम जिसके बाद हम पेशेंट्स को अलाउ करते हैं कि ठीक है, दे कैन हैव इंटीमेसी, और उसमें बिकॉज दिस इज़ द टाइम जिसमें कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर्स अपने नॉर्मल हालत तक वापस आ चुकी होती हैं, जो एबनॉर्मल डिस्चार्जेस वगैरह हैं वो क्लियर हो चुका होता है, कोई ब्लड फ्लो है वो क्लियर हो चुका होता है, अगर कोई टीयर आया था या कोई इंसियन दिया था नीचे डॉक्टर ने या सिज़ेरियन के दौरान, तो वो हील हो चुके होते हैं चीज़ें, और एक आपकी एक्लेमेटाइजेशन हो चुकी होती है साथ नए बेबी के साथ, उसको कैसे हैंडल करना है, उसके साथ कैसे जागना है, वो एक जो इनिशियल एक्यूट एग्जॉस्टन का फेज़ होता है वो ओवर हो चुका होता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो टाइम एक ऑप्टिमल टाइम है। अगर उस टाइम में भी इस दौरान आप उसके लिए प्रेपरेशन किस तरह से कर सकते हैं कि क्योंकि मसल्स काफ़ी स्ट्रेच हुए होते हैं डिलीवरी के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान भी, तो आप हम एक्सरसाइजेस बताते हैं कीगल्स एक्सरसाइजेस, जिसमें जैसे नीचे से पेशाब की नालियां जो रोकने के लिए पट्टे सुकेड़े जाते हैं उनको सुकेड़ने की एक्सरसाइज हम बताते हैं, ताकि इस एरिया की टोन आहिस्ता आहिस्ता वापस आए, ताकि आपकी जो फीलिंग्स हैं और जो सेंसेशंस हैं वो उतनी ही नॉर्मल हों जितनी के नॉर्मल आपको पहले महसूस हुआ करती थी। सो वो कीगल्स एक्सरसाइजेस शुरू कर लेना एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है और वो ज़रूर कर लेनी चाहिए। और फिर जब भी आप रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, अगर आपको ब्रेस्ट फीड आप कर रही हैं और आपको लगता है कि आप ड्राइनेस ज़्यादा महसूस कर रही हैं और उतनी आपको लगता है कि ल्यूब्रिकेशन नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा ल्यूब्रिकेंट्स अपने डॉक्टर की एडवाइस से यूज़ कर सकती हैं उस पीरियड के लिए, ताकि आपको उसमें फैसिलिटेशन हो। मज़ीद इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी अपनी ये अपने मैरिटल रिलेशनशिप दोबारा से शुरू करती हैं तो उसमें फिर आपने कॉन्ट्रसेप्शन ज़रूर करनी है। बड़ी हैरत होती है मुझे कि 3-4 बच्चों के बाद भी खवातीन आती हैं कि जी दोबारा प्रेगनेंसी हो गई, पता ही नहीं चला। मतलब कैसे पता नहीं चला? देखें, दीज आर द थिंग्स के जो यू नो, एज अ मैरिड वुमन व्हेन यू हैव हैड बेबीज़ यू नो दैट दिस इज़ गोइंग टू हैपन वेन एवर, जब भी आपका रिलेशनशिप दोबारा शुरू होगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट प्लानिंग अहेड, और जब भी आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पोस्टनेटल विजिट पे आती हैं यानी डिलीवरी के फौरन बाद, तो आप उसी वक्त से, आइडियली तो हम एंटीनेटल पीरियड में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट पोस्टनेटल पीरियड में जब आप एक हफ्ते बाद आती हैं,
तो आप उस वक्त तो ज़रूर अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से इसको डिस्कस करें और टाइमली कॉन्ट्रासेप्शन स्टार्ट करें, क्योंकि जब फिर वो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें फिर पेशेंट्स अबॉर्शन के लिए आते हैं और अबॉर्शंस जो है सोशल ग्राउंड्स पे हमारे कंट्री में लीगलाइज्ड नहीं है। सो उस तकलीफ से और उस प्रॉब्लम से उस वक्त बचने के लिए बेहतर है कि आप उसको टाइमली प्लान करें। कई मेथड्स हैं जो सेफ़ हैं। अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि बच्चे को आप और कुछ भी नहीं दे रही, पानी भी और नहीं दे रही, सिर्फ अपना दूध दे रही हैं, तो फर्स्ट 6 मंथ्स में अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं जिसमें कि 3 से 4 दफ़ा आपने रात को भी ब्रेस्ट फीड कराया, तो 98% तक वो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव सिक्योरिटी देता है, बट इट इज़ नॉट 100% रिलायबल। सो और ख़ास तौर पे अगर आपने बेबी को कुछ और साथ सप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, चाहे आपने वो चम्मच से पानी ही देना शुरू कर दिया या फार्मूला मिल्क देना शुरू कर दिया या कोई भी चीज़ और देनी शुरू कर दिया, तो फिर आप खाली ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रिलाय नहीं कर सकते। फिर उस टाइम में अगर आप जो भी अवेलेबल मेथड्स हैं, जैसे बैरियर मेथड्स हैं, कॉन्डम्स वगैरह हैं, वो यूज़ किए जा सकते हैं, और हम आपको मिनी पिल्स, प्रोजेस्ट्रॉन कंटेनिंग पिल्स दे सकते हैं, इंजेक्शंस रखे जा सकते हैं बाजू में, उसके अलावा यूट्रस के अंदर डिवाइसेस रखी जा सकती हैं। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनके बारे में ये कहा जाता रहा है बहुत अरसे तक कि उनको डिस्करेज किया जाता था पोस्टनेटल पीरियड में 2 वजूहात की बिना पे, जिसमें से एक वजह तो यह है कि जी फर्स्ट मंथ जो डिलीवरी के फौरन बाद का है उसमें पेशेंट की खून जमने की टेंडेंसी वैसे ही ज़्यादा होती है और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उसको मज़ीद बढ़ाती हैं। सो फर्स्ट मंथ को गुजारने के बाद आप उस पर्सपेक्टिव से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं सेफली। और दूसरा कंसर्न यह था कि जी जो ख़वातीन ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं वो अगर पिल्स लेती हैं तो उनका ब्रेस्ट मिल्क आना कम हो जाता है। ये जो अब मौजूदा लो डोज पिल्स हैं उनके साथ ये कंसर्न अब नहीं है। सो पिल्स को भी आप सेफली इस्तेमाल कर सकती हैं। सो ये एस्पेक्ट को हमने आज इसलिए टच किया क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का, और प्रेगनेंसी से गुजरने के बाद रिवर्सिंग बैक टू योर नॉर्मल लाइफस्टाइल पे जब आप आती हैं तो आपको उस ट्रांजिशन के लिए भी कुछ गाइडलाइंस चाहिए, और ये ऐसी गाइडलाइंस हैं जो पेशेंट्स पूछना चाह रहे होते हैं लेकिन बसा औकात वो हिचकिचाहट महसूस कर रहे होते हैं और नहीं पूछ रहे होते हैं, और बसा औकात शायद डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं और वो बता नहीं पाते, तो इसलिए इस बारे में आज बात की गई है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगेगी। थैंक यू सो मच। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।